सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट नई भर्ती 2022 लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी एंड गवर्नमेंट में। दोस्तों, सीआईएसएफ भर्ती का इंतजार करें युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सीआईएसएफ ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कंप्लीट जानकारी आपको शुरू मिलने वाली है कि इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन फीस क्या है और कौन कौन और किन किन राज्यों की कितनी वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है। दोस्तों, कंप्लीट जानकारी आपको शुरू मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट जानकारी आपको शुरू मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने चलिए बता दूं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। इसके साथ साथ ही दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि भारत के किस राज्य में किस जिले से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो आपको वैकेंसी मिलने वाली है वो 1100 प्लस वैकेंसी आपको इसमें मिलने वाली है। यानी मैं साफ साफ कहूं तो 1100 पदों से ज्यादा भी पदों पर आपको यहां पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले चलता हूं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ बताया सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नोटिस, यहाँ पर बताया गया रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल फायर मेल के पदों पर आपको यहाँ पर भर्ती देखने में मिलेगी इन सीएसएफ। यहाँ पर देख लीजिए डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले वीडियो में बढ़ने से पहले बता दूं कि आपके जो ऑनलाइन आवेदन है, यानी जो आपके ऑनलाइन आवेदन है, यहाँ आप स्क्रीन पर देख लीजिए, जो आपके 29 जनवरी से आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे और आपकी जो लास्ट तारीख है वो 4 मार्च 2022 आपकी रहने वाली है। यानी मैं साफ साफ कहूं तो 29 जनवरी से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 4 मार्च वो आपकी इसमें लास्ट डेट रहने वाली है। शाम को आप 5 बजे तक इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। आपको मैं साफ साफ बता दूं, आपकी जो एप्लीकेशन फीस है, इसके साथ साथ मैं बता दूं, आप जो आपकी एप्लीकेशन आवेदन है वो केवल मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर यही बताया गया कि मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फायर के पदों पर आपकी जो भर्तियाँ निकाली गई है इसमें आपका अच्छा खासा पे स्केल रहने वाला है। यहाँ पर आप देख लीजिए 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक आपका यहाँ पर पे स्केल रहने वाला है। आपको जो ऑनलाइन आवेदन वो भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ऑनलाइन आवेदन आपको ऑनलाइन करना होगा, जिसमें सबसे पहले आपका है वो फिजिकल होगा। यानी मैं साफ साफ कहूँ तो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा जिसमें आपकी रनिंग होगी, इसके बाद पीएसटी, रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम के बाद इसमें आपका जो अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम वो इसमें एक वगैरह बताए गए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फुल नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर मैं बात करूँ आपकी आवेदन फीस की, सबसे पहले मैं आपको आवेदन फीस बता देता हूँ। यहाँ पर जनरल यानी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी जो आवेदन फीस है वो मात्र 100 रुपये रखी गई है, जबकि एससी एसटी और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पर कोई भी आपकी आवेदन फीस नहीं रखी गई है। इसके साथ साथ मैं बता दूँ भारत के जितने भी राज्य हैं उनके लिए अलग अलग राज्यों के लिए वैकेंसी है वो अलग अलग रखी गई है। यहाँ पर आप देख लीजिए आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 1149 रखी गई है। यहाँ पर आप देख लीजिए 1149 पद है वो यहाँ पर आपकी रहने वाले, जिसमें जनरल की 289 यहाँ पर बताई गई, जिसे एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी यहाँ पर आपकी वैकेंसी बताई गई है। यहां पर आप देख लीजिए यहां पर साफ साफ बताया गया यूआर का मतलब अनरिजर्व्ड है, ईडब्ल्यूएस का मतलब यहां पर होता है इकोनॉमी वीकर सेक्शन, एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस यहां पर बताया गया है। यहां पर आपको नीचे आ जाना है। यहां पर आप देख लीजिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी मैं साफ साफ कहूं तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहां पर आप देख लीजिए 12वीं पास रखी गई है। अगर आप 12वीं पास है तो आप भर्ती देख पाएंगे। इसमें आपको साफ साफ बताया गया अभी आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करूं तो यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है 18 साल से लेकर 23 साल के बीच रखी गई है। यानी मैं साफ साफ कहूं अगर आप जनरल कास्ट से आते हैं और आपकी एज 18 साल से 23 साल के बीच है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए जो आपकी जो एज काउंटिंग है वो 5/3/1999 से लेकर यहाँ पर आप देख लीजिए 4/3/2004 के बीच रहनी चाहिए। यानी मैं साफ साफ कहूँ 5/3/1999 से लेकर 4/3/2004 तक है तो आप इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें एस सी एस टी को यहाँ पर ओबीसी को आयु में छूट मिलेगी, जिसमें रिजर्वेशन रूल्स के अनुसार आयु में छूट मिलने वाली है। दोस्तों, हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए लेकिन आपको मिलने वाली जानकारी एकदम यहाँ पर सही और सटीक होगी। एससी एसटी को इसमें 5 साल की छूट मिलेगी, जबकि ओबीसी को 3 वर्ष की और एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 3 साल की छूट मिलने वाली है। यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर जो 1984 के जो गुजरात दंगे हुए, 2000 गुजरात दंगे और यहाँ पर जो दिल्ली के दंगे हुए थे उनमें जिसमें जनरल को 5 वर्ष की छूट मिलेगी, ओबीसी को 8 वर्ष की, एससी एसटी को 10 साल की छूट यहाँ पर मिलने वाली है। फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख लीजिए फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट में आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जबकि चेस्ट है वो आपका 80 से 85 सेंटीमीटर आपका मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर रिलेक्शन दिया जाएगा, जिसमें यहाँ पर देख लीजिए गोरखा, डोगरा और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सिक्किम, इन राज्यों से आते हैं, जो पूर्वी राज्यों से आते हैं, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं, उनको हाइट में और चेस्ट में छोड़ दी जाएगी, जिसमें आपकी जो हाइट है वो यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहेगी यहाँ पर आप देख लीजिए, और 78 से 83 सेंटीमीटर आपका जो चेस्ट रखा गया है। वेट वगैरह यहाँ पर आप देख लीजिए फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको बताया गया है। मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है कि इसमें जो आपके ऑनलाइन आवेदन 29 जनवरी से शुरू हो जाएंगे, लास्ट डेट आपकी 4 मार्च रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बीच बीच में नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आप उन पर ध्यान मत दीजिए। आपको जो जानकारी मिल रही है
उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। आपकी आवेदन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये रखी गई है और इसमें मैंने बता दिया 12वीं पास होने चाहिए, आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, जनरल कास्ट 18 से 23 ईयर बीच आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख लीजिए, फुल लिंक वीडियो का जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर भी खुद जाकर इसे डाउनलोड कर पाएंगे। आपके जो सब्जेक्ट है मैं अगला वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपके क्वेश्चन है वो पेपर कितने का होने वाला है और कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट, ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जिनको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।